अगला सवाल हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं तो सामने से करें। मेरा नाम टी रमेश है, मैं यूनाइटेड एयरलाइंस कोरियर में काम कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि थोड़े दिन पेपर में और मीडिया में देखा है ऐसा, जो स्पोर्ट्स स्टार है वो कहते हैं तो कपड़े से तो कपड़े के लिए रिस्ट्रिक्शन रखे से है, उनको रिस्ट्रिक्शंस करे ऐसा खेलना नहीं, तो वही पिक्चरों में तो बहुत दिन से ऐसा करे, उसके लिए क्या है। और एक सवाल है मेरा, मैं आपका क्यू टी वी देखता हूँ और वो रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर ले तो बहुत अच्छा रहता है। भाई साहब ने दो सवाल पूछा है, दूसरा सवाल था कि मेरे क्यू टी वी के तकरीर है रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे तो अच्छा है। मेरे तरफ से कोई भी मान्यत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो भी चाहे कर सकता है, नो कॉपीराइट। लेकिन मैं आपकी ज़बान नहीं जानता हूँ, आपके हैदराबादी लोग करना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो कॉपीराइट, इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। जहाँ तक कि पहला सवाल था कि इस्लाम में मीडिया में कुछ महीने पहले स्पोर्ट्स के बारे में रिस्ट्रिक्शन आया था कपड़े पहनने के बारे में, तो आपकी राय क्या है? आपका जो सवाल है वो सानिया मिर्ज़ा के बारे में है ना, सानिया मिर्ज़ा के बारे में ना, तो डायरेक्ट पूछिए ना, मुझे पता है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हो। और ये सानिया मिर्ज़ा के इशू के बारे में कई महीनों तक इंडियन मीडिया फिर फॉरेन मीडिया से उछाली और ये एक टॉक ऑफ द टाउन फ्रंट पेज के ऊपर आ चुका था कि इस्लाम सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ है, मौला लोग ने उसके खिलाफ बात किए वगैरह वगैरह। मैंने काफ़ी रिपोर्टें पढ़ी, लेकिन मेरी राय ये है कि ऐसे जब सवालात उठते हैं तो हमें हिकमत से काम लेना चाहिए, हिकमत से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मौलाना ने फतवा दिए या कई लोग ने जो कहे, अक्सर मौलाना ने सही फतवा दिए अक्सर, लेकिन काफ़ी पॉलिटिशियन बीच में आ गए हो सब, मैं मुख्तसर से आपको उसका बयान दूंगा। लोग कह रहे थे कि इस्लाम रिस्ट्रिक्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, के इस्लाम स्पोर्ट्स की तरक्की के खिलाफ है, और सानिया मिर्ज़ा से मीडिया पूछ रही थी कि इस्लाम हराम कहता है तो क्यों आप ऐसे कपड़े पहन रहे वगैरह वगैरह। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सानिया मिर्ज़ा लॉन टेनिस में नंबर 31 थी, अभी 34 हो गए वापस से, लगभग करीब है 31-34 नंबर पे है। आप सबसे नंबर वन टॉप सीड सेरेना विलियम्स से क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं उससे पूछते कि उसका मजहब उसे इजाज़त देता है इसे कपड़े पहनने की? आप मौलाना से क्यों पूछते कि इस्लाम में जायज़ है क्या नहीं? आप जाके प्रीस से क्यों नहीं पूछते, आप जाके पोप से क्यों नहीं पूछते क्या सेरेना विलियम्स जो नंबर वन है ऐसे कपड़े पहनना क्रिश्चियनिटी अलाउ करती है क्या नहीं? पोप मेरे नज़रिए से बिल्कुल कहेगा हराम है, क्लियरली लिखा है हिजाब के बारे में बुक ऑफ डिटोनमी में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5 में हिजाब के बारे में लिखा हुआ है, फर्स्ट मिति चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में कि औरतें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, सोबर मॉडेस्ट, द वुमन शेव ए मॉडेस्ट क्लोज विथ शेम फेसडनेस विथ सोब्राइटी शुड नॉट हैव ब्रेडेड हेयर ऑफ गोल्ड नॉ वे पर्ल्स। मतलब भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सोने नहीं पहनना चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए इज्जत के साथ, और क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे कपड़े पहनना हराम है। अगर आप प्रीस्ट से पूछेंगे कोई भी प्रीस्ट कहेगा, इसीलिए आप देखते हैं कि नन लोग मुस्लिमा जैसे लिबास पहने, इस्लाम के लिबास पहने, पूरा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिखता है। तो आप जब कहते हैं कि जो लोग मजहबी है, जो औरतें मजहबी है उन्हें ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए, हमारे हिसाब से हर औरत, हर मुस्लिमा, हर मुस्लिम खातून मजहबी होना चाहिए और उसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। मीडिया क्या करती है, उछालती है, और अफसोस की बात हमारे कई मुसलमान पॉलिटिशियन वो कहने लगे कि मौलाना है ना ये सिर्फ मजहबी तक रहना चाहिए, स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं कहना चाहिए। मैं ये मुस्लिम पॉलिटिशियन से कहता हूँ कि वो अपने पॉलिटिक्स तक महदूद रहो, इस्लाम के दायरे में मत आओ। वो कहता है कि मौलाना जो है ना ये हमारे स्पोर्ट्स वुमेन को तरक्की करने से रोकते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ और कई हमारे गैर मुस्लिम पॉलिटिशियंस कहने लगे कि जो भी कोई
सानिया मिर्जा के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है, हमारे हिंदू पॉलिटिशियंस। तो मैंने कहा कि जो भी कोई सानिया मिर्जा के कपड़े का साथ देता है वो वेद के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ है। हिंदुइज्म में भी लिखा है, आप हिंदू किताब पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 10 में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 85, श्लोका नंबर 30, और ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 8, चैप्टर नंबर 33, 33, मंत्रा नंबर 19 में कि ब्रह्मा ने, खुदा ने आपको औरत बनाया है, इसलिए नजर नीचे करो और अपना सर ढाको। तो हिंदुइज्म में भी हिजाब है। तो ये हिंदू पॉलिटिशियन अपनी मजहबी किताब पढ़े ही नहीं। वो जो कहते हैं कि सानिया मिर्जा के लिबास के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। मैंने कहा जो सानिया मिर्जा के लिबास के साथ है वो हिंदू मजहब के खिलाफ है। और मैं कहता हूं ये पॉलिटिशियन से, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को तरक्की से रोकना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि पहले लॉन टेनिस में, बैडमिंटन में हम देखेंगे खवातीन पूरे कपड़े पहनती थी, पूरी ढकी हुई थी। जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कपड़े कम होते जा रहे। तो पहले तो लोग खेलते थे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम खवातीन भी, अभी क्यों जरूरी आ गई? मान लो मैं कहता हूँ अगर कल बीच वॉलीबॉल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा जिसमें औरतों को बिकिनी पहन के खेलना होता है, तो क्या आप अपनी बेटी को भेजेंगे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए? कौन सा हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन अपनी बेटी को बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए भेजेगा? बीच वॉलीबॉल जानते हैं आप? बीच वॉलीबॉल अगर कल वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बन गया तो क्या भेजेंगे अपनी बेटी को बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए? और मैं जानता हूँ कि कपड़े पहनने से कुछ परफॉर्मेंस में तब्दीली हो सकती है, 1%, 0.5%, 0.5% हो सकती है। लेकिन अगर खाली कपड़े पहनने से कुछ फर्क आता है, 0.5%, 1%, हम जानते हैं कि स्विमिंग के लिए कम कपड़े पहना जाता है तो क्या स्विमिंग और अच्छे से हो सके? अगर आप अक्कल लड़ाएंगे तो कपड़े नहीं पहनेंगे सबसे अच्छी स्विमिंग होगी, तो क्या बिना कपड़े स्विमिंग करेंगे? आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये मेरी हिजाब का महदूद, मेरी मॉडेस्टी है इतना पहनना, बिकिनी पहनना आपकी मॉडेस्टी। हमारी मॉडेस्टी है कि सतर ढकावाना चाहिए। आपका लेवल ये है, हमारा लेवल वो है। लेकिन अगर आप सचमुच हिकमत जानते तो कपड़े मत पहनो ना, क्यों कपड़े पहनते? आप देखेंगे कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें मीडिया की बाजी उल्टी करना चाहिए। जब मुझे पूछा गया था क्या सानिया मिर्जा ऐसे कपड़े पहनती है, क्या सही करती है, तो मैंने कहा आप सानिया मिर्जा को फिलहाल आप ये देखिए कि कई मुसलमान क्रिकेटर्स चाहे वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहे या चाहे पाकिस्तान के लिए खेल रहे, नमाज के वक्त नमाज भी नहीं पढ़ते, जुम्मा नमाज भी नहीं पढ़ते। सही हदीस में आता है कि काफिर और मुस्लिम के दरमियान जो फर्क है वो नमाज है, सलाह। कम से कम सानिया मिर्जा नमाज तो पढ़ती है, सलाह तो पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कल वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो मैं कहता हूं कि जो ये मुसलमान क्रिकेटर्स सानिया मिर्जा से और बड़ा हराम कर रहे, सानिया मिर्जा से बड़ा हराम कर रहे, कम से कम नमाज तो पढ़ती है, उसके लिए हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर कुछ गलती कर रही है हमें उसके साथ हिकमत से पेश आना चाहिए और कहना चाहिए अल्लाह ताला उन्हें इंशाल्लाह हिदायत देंगे, कम से कम नमाज तो पढ़िए। हो सकता है चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे हिदायत देगा, वो कपड़े भी अच्छे पहनेंगे। और मैं जानता हूँ कि परफॉर्मेंस में शायद 0.5%, 1% हो सकता है कि लंबे कपड़े पहनने से परफॉर्मेंस में कमी हो, लेकिन जब अल्लाह का साथ है तो परफॉर्मेंस में कितनी तरक्की होंगी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि इफ अल्लाह फॉरसेक्स यू नन कैन हेल्प यू, अगर अल्लाह आपका साथ छोड़ दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और अल्लाह अगर साथ दे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो इसीलिए मोमिनों से अल्लाह पे भरोसा रखने के लिए कहिए। तो हो सकता है सानिया मिर्जा इंशाअल्लाह कुछ दिन बाद, चाहे हफ्ते हो या महीने हो या साल हो, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उसे हिदायत दे और वो कपड़े भी अच्छे पहने और इंशाअल्लाह तरक्की भी करे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।